तो गाइस फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। था दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ लिंगूर की सब्जी ढूंढने के लिए, जिसे कि कुछ लोग लिंगूर कहते हैं तो ऐसे हम लोग कहते हैं डिंग साग, तो मैं उसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कई महीने से मुझे ये साग को खाने का मन कर रहा है, जंगली साग को। तो दोस्तों आज मुझे ये साग खाने के लिए मौका मिला, तो ये सिर्फ मिलता है बाहर में जंगल की तरफ मिलते हैं। तो ये है हमारे पैडी की खेती जो कि पिछली बार लगाया था, और ये है हमारे टेम्पोररी घर, यहाँ पर एक महीना के लिए रहते हैं मेरे पेरेंट्स लोग। तो ये हम लोग लगाया था पिछली बार, पूरा पानी है, हरियाली हरियाली दान हो रहा है, तो चलते हैं। तो फाइनली पहुँच गया हूँ लिंगूर की तरफ। तो यहाँ पर भी बहुत सारा लिंगूर है, तो पतला पतला छोटा छोटा बड़ा है, तो मुझे ढूंढना है मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिंगूर। वाह, तो यहाँ पर केला का पेड़ भी है। अगर मैं तलवार लेके आता तो बड़ा चाकू लेके आता, इसके मैं काट के लेके जाता। या लिंगूर इतना मोटा है, खाने के लिए बहुत मज़ा आएगा, और मस्त मस्त लिंगूर मिल रहा है मुझे। वाह ये ज़्यादा मोटा है, वाह बे, आज मैं खूब खाऊंगा लिंगूर। वाह वन ऑफ माय फेवरेट है ये जंगली सब्जी है, जो ये सब्जी जहाँ तहाँ नहीं मिलता है, ये सिर्फ मिलता है जंगल के किनारे मिलता है या नदी के किनारे मिलता है। तो आपके लोकल भाषा से इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ये हमारे भाषा से इसे कहते हैं दिंगी साग, आसामीस भाई लोग कहते हैं दिग्गिया हाक कहते हैं। आज मैं एक्चुअली हमारे यहाँ पर लिंगूर की सब्जी ढूंढने के लिए आया हूँ, तो मुझे पैनल मिल गया है। तो यहाँ इधर पे काफ़ी सारे लिंगूर की सब्जी हैं, तो दोस्तों इधर चारों तरफ जंगली की सब्जी हैं, तो मुझे काफ़ी सारे लिंगूर की सब्जियाँ मिल चुके हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी लिंगूर हैं, लिंगरू कुक करूँगा इलपेन एप्पल के साथ मिक्स करके बनाऊंगा, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से खाऊंगा लिंगूर की सब्जी या करके। तो दोस्तों काफ़ी सारा रिस्क है इस तरह जंगल पे सब्जी ढूंढना, यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी हो सकता है या सांप भी हो सकता है, जहरीले सांप होते हैं यहाँ पर, तो रिस्क भी है जंगल का सब्जी खाना। तो जंगल का सब्जी तो मुझे सबसे मस्त वही लगता है, जंगल का सब्जी। आपको कैसे लगता है कभी मुझे पता नहीं होगा। तो काफ़ी सारा गर्मी है, मैं अभी बिना कपड़े के साथ आया हूँ सब्जी ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर सांप भी हो सकता है, मधुमक्खी भी हो सकते हैं, तो रिस्क में ढूंढने के लिए आया हूँ लिंगूर की सब्जी। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, तो दोस्तों फाइनली मुझे एक बैग मिल गया लिंगूर, तो मैं अभी जा रहा हूँ घर, घर से होकर चला जाऊँगा गांव। मैं सुबह आया था गांव से, तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से हमारा गांव लगभग है 8-8.5 किलोमीटर के आसपास दूर है यहाँ से हमारा गाँव। कितना मिला है मुझे जो कि ये लिंगूर साग और ये इलपेन एप्पल, ये खत्ता होते हैं, मैं इसे खाऊंगा, चटनी बना के खाऊंगा, फ्राई करके खाऊंगा पूरा मिर्ची के साथ। और दोस्तों अभी मैं घर जाने की तैयारी करता हूँ, तो यार अभी घर जाऊंगा, मैं हेल्प बैग में डालूंगा लिंगूर के साथ, और साथ ही में इलपेन एप्पल। ये है मेरा पिताजी मिस्टर ताकलू चकमा, पूरा ताकला हो गया, बाल खात लिया। तो मैं सुबह लाया था सब्जी यहाँ पर फूल, तो अभी मैं ये लिंगरू साग और एलिपन एप्पल लेके जा रहा हूँ मैं घर पे, पूरा सूरज डल रहा है अभी। तुम ही चा इना तो दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूँ घर, अपना घर, पीछे में बैग है बैग, तो यहाँ पर सब्जी लिया हूँ, तो अभी मैं जाने वाला घर। तो